हेलो फ्रेंड, होप यू आर वेल। आज हम आपको ट्रेडिशनल वे में पुलाव बनाना बताएंगे। सबसे पहले हम लोगों ने 1 लीटर पानी ऐड कर लिया, देन हम लोगों ने 1 kg मटन ऐड कर लिया। एक अदद प्याज ले लिया, गरम मसाला ले लिया, लहसुन ले लिया और एक बड़ी इलायची ऐड कर ली। 1 टेबल स्पून मैंने नमक ले लिया। अब मैंने इसको प्रेशर कुकर में वेट दिलवाने के लिए रख दिया था और 2 ग्लास मैंने चावल ले लिए। आफ्टर 45 मिनट्स, ये देखें, अब हम इसको ओपन करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा मटन प्रॉपरली टेंडर हो गया है। यस, हो गया है। अब हम लोगों ने यहाँ से यखनी को निकाल लिया है और अब हम लोग पुलाव बनाना तैयार करने लगे हैं। सबसे पहले मैंने 1/2 कप यहाँ पे ऑयल ले लिया, 2 अदद प्याज ले लिया। अब इसको मैं ब्राउन कलर दूंगी। उसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून गार्लिक जिंजर का पेस्ट ऐड कर दिया। और 1/2 कप मैंने पानी ऐड कर दिया और इसका कलर निकल आया है। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून मैंने नमक ऐड किया है और 2 सिनेमम ऐड की हैं और ज़ीरा और काली मिर्च ऐड कर लिया है और 1 मैंने टमाटर ले लिया है बड़े साइज़ का और 7 अदद मैंने मिर्चें ले ली हैं। और जब मेरा मसाला प्रॉपरली तैयार हो जाएगा फिर मैंने मटन को ऐड कर लिया था और उसको फ्राई कर लिया था। फिर थोड़ी देर 5 मिनट बाद मैंने इसमें दही ऐड कर लिया है। अब मैंने इसमें 1/2 से ज़्यादा पुलाव मसाला ऐड कर लिया है। जब मुझे लगे कि मेरा ऑयल निकलना स्टार्ट हो गया तो देन मैं इस अब इसमें मैंने यखनी ऐड करनी है। ये देखिए, अब यखनी, अगर आपको लगे कि आपकी यखनी कम है तो आप लोग पानी भी डाल सकते हैं। और अब जब मेरे पानी को उबाल आ गया था तो मैंने इसमें चावल ऐड कर लिए। चावलों को आपने 45 मिनट्स भिगो लेना है। अभी हमारी आंच तेज ही होगी अब मैंने पानी को फुल ड्राई करना है और बार बार चम्मच मारने से चावल टूट जाते हैं तो बार बार चम्मच ना मारिएगा। देखिए मेरा चावल कैसे अच्छे से बन रहे हैं। जब आपका पानी ड्राई हो रहा होगा, बिल्कुल कम सा रह जाएगा, तो आपने थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर देना है इस पर। अब मेरा पानी ड्राई हो गया था तो मैंने इसको 5 मिनट्स दम पे रख दिया था। तो अब देखें, दम पे रखने के बाद मेरे चावल रेडी हो गए हैं फाइनली।
अब ये सारी चीज़ें डेकोर के लिए मैंने रखी हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब।